हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष मलिक आईएएस एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल कोच्स। वर्चुअल कोच्स क्या हमारे फिजिकल कोच को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर क्या चैलेंजेस हैं वर्चुअल कोच के एंड क्या बेनिफिट्स हैं, एंड ये भी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थे, इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। And I am Mansi Tyagi and I teach current affairs on the platform of Ashish Malik IAS Academy. You can use our referral code AshishMalik10 to avail 10% discount on the plus subscription fee. So, and you can also follow us on our Telegram and Instagram channels to remain updated about our upcoming videos and all the initiatives. And this is our time schedule and aap in sabhi courses ko follow kar sakte hain to boost up your preparation. And अभी हम बहुत सारे new courses भी launch करने वाले हैं and on our YouTube. So सभी updates के लिए please join these channels and इनका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा. So let's move forward. अब ये हमारे Justice D.Y. Chandrachud जो हैं, उन्होंने statement दिया था in the month of May कि वर्चुअल कोच फिजिकल कोच की जगह नहीं ले सकते, वो उन्हें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, फिजिकल कोच आर रिक्वायर्ड। एंड अभी हम क्यों फिजिकल कोच की जगह हम वर्चुअल कोच की तरफ क्यों हम जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस थ्रेट। अगर हम क्योंकि हम कोच में फिजिकल कोच में हम सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, सो इस वजह से ही हमें वर्चुअल कोच का कॉन्सेप्ट जो है उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। एंड क्या चैलेंजेस हैं वर्चुअल कोच के, हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे। एंड अभी ऑन द 13th of May, ऑन 13th और 14th May के आसपास जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने ही अगेन एक और स्टेटमेंट दिया है कि जो वर्चुअल कोच हैं वो सिटीजन सेंट्रिक हैं। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट्स के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। एंड अभी जब सुप्रीम कोर्ट का समर ब्रेक ओवर हो जाएगा एंड अभी धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट ने भी अनलॉक करना स्टार्ट कर दिया है, जो भी लॉकडाउन था हम सारी रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे ईज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि अभी एक फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन देयर आर चांस दैट आफ्टर समर ब्रेक सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर सकता है ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल हियरिंग, कि हम फिजिकल एंड वर्चुअल दोनों हियरिंग को हम शायद फॉलो कर सकते हैं पैरेलली आफ्टर समर ब्रेक, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन वो जून के एंड में लेंगे। अब ये वर्चुअल कोच क्यों न्यूज में थे, क्योंकि अभी हम सभी जैसे जानते हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, सो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के थ्रेट की वजह से डायरेक्ट किया टू ऑल द कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करें फॉर ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर आपको कोई भी केस की हियरिंग सुननी है या कुछ भी केस से रिलेटेड वर्क है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करें, आप मोबाइल फोन्स के थ्रू करें, या आप ऑनलाइन केस फाइल भी कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी टू ऑल द कोर्ट्स, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन, ये जो अपना पावर था टू डायरेक्ट ऑल कोर्ट्स टू यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये पावर एक्सरसाइज की अंडर द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल कोर्ट्स का क्या मतलब है। वर्चुअल कोर्ट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम फिजिकली कोर्ट्स में नहीं प्रेजेंट होते, जो भी हमारे लॉयर्स हैं या लिटिगेंट्स हैं वो फिजिकली कोर्ट में नहीं जाएंगे, एंड जो केस लड़ा जाता है, जो भी हियरिंग होती है या जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सभी ऑनलाइन किए जाते हैं बाय अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड जज भी अपना फैसला ऑनलाइन ही सुनाते हैं। एंड कुछ वर्क हैं जो कॉल के थ्रू भी होता है कोर्ट का, कुछ मैसेजिंग के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, लेकिन वर्चुअल कोर्ट्स का जो मोस्ट प्री रिक्वेस्ट है, जो हमें मेन रिक्वायरमेंट है अगर हम कोई भी वर्चुअल कोर्ट को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वो है ऑनलाइन एनवायरमेंट। मतलब कि हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा बूस्टअप करना पड़ेगा। अगर आप वर्चुअल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एंड आप इन फ्यूचर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया में भी वर्चुअल कोर्ट्स आ जाएं, तो हमें सबसे पहले अपना ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि इंटरनेट अवेलेबिलिटी हो सभी के पास। अगर किसी को केस फाइल करना है या किसी की हियरिंग है तो उसके आसपास के एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ताकि बीच बीच में पावर कट ना हो एंड कॉन्टिन्यूसली
आपकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मेन जो रिक्वायरमेंट है वर्चुअल कोच की वो है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडिया में क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है वर्चुअल कोच की? इनिशियली वर्चुअल कोच का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इन 2018 इन दिल्ली। एंड ये किससे रिलेटेड था? जो आपके ट्रैफिक ऑफेंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जब ट्रैफिक वायलेट कर देते हैं, अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं या फिर आप बहुत हाई स्पीड पे कार चला रहे हैं, अगर आपका कोई भी चलान कट रहा है, तो ये सभी जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड केसेस थे उन सभी को हमने ऑनलाइन हेयर करना स्टार्ट किया। एंड जब हमने ये किया तो ये बहुत बड़ा सक्सेस था हमारा, जो ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था पायलट प्रोग्राम। एंड इसके बाद हमारे वर्चुअल कोच दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र इन सभी जगह पर सक्सेसफुल रहे। एंड इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम वर्चुअल कोर्ट रूम को हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ पैंडमिक। एंड वर्चुअल कोर्ट रूम जो होंगे दे आर ओपन कोर्ट्स। इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्लोज्ड किसी रूम में हो रहे हैं, वो भी ओपन कोर्ट्स हैं। एंड ये और ज्यादा ये जो आइडिया है ओपन हियरिंग का, ओपन कोर्ट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसको सपोर्ट करते हैं। एंड अभी एट प्रेजेंट काफी अच्छा हमने देखा कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा रेट्स पर केसेस सुन रहे हैं। अगर एक जो जज का पैनल है वो एक टाइम पर अगर 20 केसेस एक दिन में सॉल्व कर रहे थे, तो आज के टाइम पर वो ऑलमोस्ट डबल सॉल्व कर रहे हैं। तो वर्चुअल कोर्ट्स हमारा जो पेंडेंसी है केसेस की उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि इंडिया के बाहर वर्चुअल कोर्ट्स के क्या सिचुएशन है, किन किन कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। वर्चुअल कोर्ट्स में जो हियरिंग है, ऑनलाइन हियरिंग, वो ब्राजील, यूके, चाइना, सिंगापुर, बांग्लादेश, नाइजीरिया, पेरू, हंगरी इन सभी जगह पर वर्चुअल हियरिंग अभी चल रही है। एंड साउथ अफ्रीकन जो कंट्री है, साउथ अफ्रीका में जो जुडिशरी है वो जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर देयर हियरिंग्स। एंड युगांडा में भी जूम का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर वर्चुअल हियरिंग। एंड न्यूजीलैंड का जो जुडिशरी है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम की हेल्प से अपनी वर्चुअल हियरिंग को प्रोसीड कर रहे हैं। देन नोवा स्कॉटिया में एंड कैनेडा में टेली वॉरेंट्स एंड पीडीएफ्स को यूज करने के लिए कहा गया कि आप इन सभी के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई अपनी रूलिंग देनी है तो आप पीडीएफ के थ्रू आप उसको मेल कर सकते हैं। देन यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओरल आर्ग्यूमेंट सुन रहा है वाया टेलीफोन, टेलीफोन कॉल पर हम जो भी उनके जजेस हैं वो आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं। फिर नॉर्वे में जो क्रिमिनल कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन सबमिशन ले रहा है। एंड ऐसा और जो भी वो ऑर्डर पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रेजेंट वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना है उनको, सिर्फ आप एक रिटन जो भी आपका केस है या जो भी आपको फाइल करना है वो आप रिटन दे दीजिए, उसके बाद वो अपना डिसीजन ले रहे हैं। अब क्या हमारे वर्चुअल कोर्ट्स रिप्लेस कर सकते हैं फिजिकल कोर्ट्स को? तो इसके बारे में अभी हमारे जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते फिजिकल हियरिंग्स को बाय वर्चुअल कोर्ट्स। क्यों है ऐसा? क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी हमारा जो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑनलाइन जुडिशरी का वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। एंड अभी हम लोग ये फॉलो इसलिए कर रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा, क्योंकि हम जो भी हमारे लॉयर्स हैं, लिटिगेंट्स हैं या मीडिया पर्सोनल हैं या जो पैरा लीगल इंटर्न्स हैं, उन सभी की सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर वो सभी प्रेजेंट होंगे इन कोर्ट रूम तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो पाएगी एंड वहाँ पर फिर सबकी जान को खतरा रहेगा। तो इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। एंड जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चेयरपर्सन भी हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी जो डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट्स है उसमें ई फाइलिंग भी इंक्लूड होती है और इसको हमें पूरी कंट्री में स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जो वर्चुअल जुडिशरी आज के टाइम पे जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं वो एक पार्ट में कंट्री के एक्सेसिबल हैं, एक में नहीं है, तो हमें पूरा इंक्लूसिव जुडिशरी हमें इसे बनाना पड़ेगा। देन फाइलिंग ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू अंडरगो अ रेडिकल चेंज विद इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ई फाइलिंग मॉड्यूल इन नियर फ्यूचर। एंड अगर हम ये वर्चुअल कोर्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा एंड एक नया इंट्रोड्यूस होगा जुडिशियल सिस्टम।
एंड इन्होंने ये भी कहा कि ये जो सर्विस है वर्चुअल कोच की, इसका ये मतलब है कि जो हमारे लॉयर्स हैं वो दिन में किसी भी टाइम या किसी भी दिन, चाहे वो वर्किंग डे हो या ना हो, वो कभी भी केस फाइल कर सकते हैं. एंड वर्चुअल कोच, अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट आया है उसमें इन्होंने कहा है कि वर्चुअल कोच सिटीजन सेंटरिंग है एंड इट इज एन अटेम्प्ट फ्रॉम जुडिशरी टू टेल द सिटीजन्स दैट वी वैल्यू योर टाइम. क्योंकि अगर आप वर्चुअल कोच को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना चाहता है तो, एंड वो साउथ में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल केरला में, तो उनको ऑल द वे ट्रैवल करके न्यू दिल्ली आना पड़ता है. लेकिन अगर वर्चुअल कोच का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है तो उन्हें आने की जरूरत नहीं है, उनका ट्रैवल जो टाइम है वो बचेगा, जो उनका मनी है, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है, वो सब बचेंगे. तो इनका ये कहना है कि वर्चुअल कोच सिटीजन सेंट्रिक है एंड इससे हम ये बताना चाहते हैं हमारे जो भी लोग हैं जो सिटीजन इंडिया के, कि सुप्रीम कोर्ट वैल्यू करता है उनके टाइम को. एंड एट प्रेजेंट जो 20 जजेस का जो काम है दिल्ली में, वो एक ही जज हैंडल कर रहा है इन वर्चुअल कोर्ट्स. मतलब अगर फिजिकल कोर्ट्स में फॉर एग्जाम्पल 20 जजेस को जितना टाइम लगता था कितने भी केसेस सॉल्व करने में, वो एक ही जज हैंडल कर पा रहा है, तो आप ये सोचिए कि ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल है जो हमारे पेंडेंसी है केसेस की. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अगर हम देखें तो मोर देन 60,000 केसेस पेंडिंग है. तो अगर ये हम फॉलो करते हैं जो वर्चुअल कोर्ट्स, तो इससे हमारी पेंडेंसी कितनी जल्दी एंड कितनी ज़्यादा हम रिड्यूस कर सकते हैं. एंड अगर हम ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, हर सब जगह पर वर्चुअल कोर्ट का कॉन्सेप्ट ले आएँ, तो उससे बहुत ज़्यादा हमारी पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. उन्होंने ये भी कहा, he added that the virtual courts promote compliance of rule of law and ensure that metro cities do not become accident capitals of the world. And उन्होंने कहा कि हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे यूज करना चाहिए टू ट्रांसलेट कंटेंट ऑफ FIRs. फॉर example, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो सिर्फ इंग्लिश में हियरिंग लेते हैं एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद इंग्लिश नहीं आती. तो अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमारी FIRs हम फाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में फाइल हो रही हैं, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो हमें रीजनल लैंग्वेजेस में हमें उसका कंटेंट को ट्रांसलेट करना चाहिए ताकि लोग ईजिली उसे समझ पाए एंड एक्सेसिबल हो वो लोगों को. उन्होंने ये कहा, एंड द ई प्रोजेक्ट विल इंक्लूड ई मॉड्यूल्स ऑफ बेल एप्लीकेशन, लैंड एक्विजिशन अपील, मोटर एक्सीडेंट अपील केसेस, एंड दे कैन ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज इलेक्ट्रॉनिकली, ई फाइलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड वर्चुअल कोर्ट्स. इन सभी चीज़ों को, जो चाहे वो मोटर एक्सीडेंट अपील हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन अपील हो, चाहे कोई भी कॉपी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली लेनी है, सब डाउनलोड आप कर सकते हैं वो आप वेबसाइट से, या फिर कोई भी केस फाइल करना हो इन डिस्ट्रिक्ट और वर्चुअल कोर्ट्स, तो वो सभी ई प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं. अब हम देखते हैं कि वर्चुअल कोर्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम चाहते हैं कि वर्चुअल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आ जाए. सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक. वर्चुअल कोर्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव. कैसे? ये कट करते हैं जो हमारी मैन पावर है एंड पेपर वर्क. क्योंकि अगर आप सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको इतना पेपर वर्क, जैसे हमारा जो अगर कोई भी रूलिंग है किसी केस की, तो आपने देखा होगा कि वो रूलिंग बहुत ज़्यादा पेजेस की होती है. एंड अगर आप ऑनलाइन वो कर रहे हैं तो आपको पेपर वर्क इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर भी सेव करेंगे क्योंकि आप PDF फॉर्मेट में आप रूलिंग अपनी देंगे. उसके बाद लोगों की भी मैन पावर भी कम चाहिए होगी, ऑल्दो कहीं ना कहीं ये थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा बिकॉज एम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की आपको रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी. लेकिन अगर हम ऑन अ लार्ज स्केल देखें तो ये आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम करता है. जैसे मैंने बताया अभी कि अगर किसी को केरला से आना है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने, तो उसको पूरा ट्रैवल करके आना पड़ेगा जिसमें टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट होता है. तो ई कोर्ट्स में ये सभी चीज़ें सेव होंगी. देन ये कन्वीनियंट है क्योंकि आप वर्चुअल कोर्ट्स में आप कंट्री के किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में हो, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी आप अपना केस फाइल कर सकते हैं, लड़ सकते हैं. एंड इससे क्वालिटी सर्विस मिलेगी जितने भी रीजन हैं सभी जगह के लोगों को. देन थर्ड इज बेटर कोर्ट मैनेजमेंट. अगर हम वर्चुअल कोर्ट्स ले आए तो जो भी हमारा डेटा है उसको हम कंप्यूटराइज कर पाएंगे एंड उससे थोड़ा ईजी रहता है टू मैनेज कोर्ट्स. जो भी हमारा काम है उसको थोड़ा मैनेज करना ईजी रहेगा क्योंकि हम
कंप्यूटराइज कर देंगे डेटा, उससे कुछ हमें अगर हमें कोई भी फाइल लेनी है उसको ढूंढना है या कुछ भी अगर हमें काम है तो वो थोड़ा ईज हो जाता है उसमें. एंड इट वुड हेल्प टू क्रिएट अ बेटर कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज वुड बी इंस्टॉल्ड इन एवरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स. एंड इन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो जज है वो कोर्ट में बैठकर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका जो रूलिंग है वो सुनाएंगे, एंड जो लिटिगेंट है या जो लॉयर है वो अपने घर से या फिर किसी भी अपने ऑफिस से फॉर एग्जाम्पल वो केस को लड़ेंगे या फाइल करेंगे. तो इससे बेटर मैनेजमेंट होगा कोर्ट का. एंड जो विटनेस एविडेंस है ऑफ आई विटनेसेस हु आर अनेबल टू अटेंड कोर्ट कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू दिस मेथड. अब कभी कभी होता है कि आई विटनेस नहीं आ पाया, कुछ भी रीजन हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, जो उसको जो दूसरी पार्टी ऑपोजिशन पार्टी जो केस में है वो थ्रेट करते हैं, लाइव थ्रेट्स होते हैं. तो अगर वो किसी भी रीजन से नहीं एविडेंस प्रोड्यूस कर पा रहा है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर वर्चुअल कोर्ट्स में हम ये एविडेंस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एंड सिक्योरिटी ऑफ विटनेस, अब जो हमारे विटनेस हैं, बहुत बार होता है कि हमें जो विटनेस है उसको धमकी मिलती है कि अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ भी बयान दिया, कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट में दी, तो कुछ भी हो सकता है. बहुत बार होता है कि विटनेसेस को मार दिया जाता है ताकि वो बयान ना दे पाए अपना. तो यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, एंड इसी वजह से हमारे विटनेस बहुत बार आने से मना कर देते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस होने से मना कर देते हैं. तो इसमें अगर आपके विटनेस की सिक्योरिटी है, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट में आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ घर से बैठ कर अपना स्टेटमेंट देना है, तो इसमें विटनेस की भी सिक्योरिटी है. तो ये सभी थे बेनिफिट्स. अब जब बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी ऑब्वियसली होंगे ही. तो हम अब देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, वर्चुअल कोर्ट्स क्या चैलेंज फेस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इम्पर्सनल. अब अगर आप वर्चुअली आप एक स्क्रीन के थ्रू आप जो आपके जो कॉन्विक्ट हैं या जो विक्टिम है आप उनको देख रहे हैं, तो एक इमोशनल जो स्टेट है पार्टी और रिजल्टेंट बॉडी के बीच, वो बॉडी लैंग्वेज उनको समझना या फिर जो भी उनके टोन है वो थोड़ा जज इतना अच्छे से नहीं उसे समझ पाते हैं. क्योंकि अगर आप लाइव प्रेजेंट हैं तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को, आप उनकी टोन को सभी तरीके से आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, बट वर्चुअली ऑन स्क्रीन आप ये नहीं कर सकते. एंड अगर जो हमारा कॉन्विक्ट है फिर कोई भी दोनों साइड में से केस में जो भी पार्टी है उनमें से कोई भी अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उनका टेम्पर बढ़ गया एकदम से, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में बहुत बार हमने टीवी में भी हम जैसे देखते हैं कि लोग तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, तो अगर आपका वर्चुअल हियरिंग में ऐसा कुछ टेम्पर इशू होता है एंड एक पार्टी उठकर ही चली जाए फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस से, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा. एंड इसमें जज उस टाइम पर उसे उस चीज को कंट्रोल भी नहीं कर सकता है. ये एक ड्रॉबैक था. देन सेकेंड इन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. अब हमारी कंट्री में जो लिटरेसी रेट है, डिजिटल लिटरेसी, वो बहुत कम है. एंड इवन दो अगर डिजिटल लिटरेसी किसी को है भी तो उन्हें ट्रस्ट नहीं है ऑन वर्चुअल कोर्ट्स, मतलब कभी लाइट नहीं है, कभी इंटरनेट कहीं पर नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं. एंड इसीलिए सिर्फ इग्नोरेंस ही नहीं अबाउट कंप्यूटर, बट इस मतलब अगर सिर्फ हम लिटरेसी की बात करें तो सिर्फ लिटरेसी ही नहीं, एक ट्रस्ट फैक्टर की वजह से भी हम रेजिस्ट करते हैं टू गो फॉर वर्चुअल कोर्ट्स. देन थर्ड इज ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. अब अगर वर्चुअल कोर्ट रूम में हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई हमारा केस है एंड उसमें किसी भी पार्टी ने कोई भी बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करा है, तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू वर्चुअल कोर्ट्स में साइबर क्राइम का थ्रेट रहता है. एंड अगर ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है टू द पार्टी जिसको वो बिलोंग करती है. तो हमें अपने साइबर स्पेस को सिक्योर करना पड़ेगा, हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि जहाँ पर साइबर क्राइम या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लीक ना हो पाए. देन लास्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस. अब हमारी कंट्री में कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है, कहीं पर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी की हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है. तो सबसे पहले जो हमारा मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है वर्चुअल कोर्ट्स. अगर वर्चुअल कोर्ट्स हमें स्टार्ट करने हैं तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी सबको पहुंचानी पड़ेगी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हमें सभी जगह देनी पड़ेगी. अब हम देखते हैं कि वर्चुअल जुडिशरी का इंडिया में क्या फ्यूचर है. अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एस ए बोबडे, उन्होंने एक 7 judge committee बनाई है जो कि हेड कर रहे हैं जस्टिस एन वी रमना. एंड
ये कमेटी बनाई गई है टू डिस्कस कि हम क्या हम ओपन कोर्ट हियरिंग्स जो हमारी रेगुलर हियरिंग्स होती थी फिजिकली कोर्ट में, क्या हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं आफ्टर द समर ब्रेक ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड इसमें एक सजेशन भी दिया गया है इस कमेटी के द्वारा कि इस ये जो हमारा ब्रेक अभी समर ब्रेक चल रहा है एंड अभी लॉकडाउन की वजह से भी हम वर्चुअल कोर्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो ये सब खत्म होने के बाद जून के बाद जब ये सब चीजें खत्म होंगी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फिजिकल एंड वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग साथ में दोनों को होल्ड करे। मतलब कहीं कुछ जजेस फिजिकली प्रेजेंट हो, फिजिकल हियरिंग हो रही हो, कुछ जजेस वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू प्रोसीडिंग्स कर रहे हो। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है पैनल के द्वारा एंड ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा जून के मंथ में, इस महीने के एंड में, कि क्या फ्यूचर है, क्या हम आगे करने वाले हैं, क्या हम दोनों तरह के कोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि फिजिकल एंड वर्चुअल दोनों प्रोसीडिंग साथ में चलेंगे या फिर सिर्फ वर्चुअल चलेंगे या फिर फिजिकल, तो ये सभी हम इस महीने के एंड में देखेंगे। एंड अब जो वर्चुअल जुडिशरी को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या 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 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारी रिक्वायरमेंट है वो है टू द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है फॉर वर्चुअल जुडिशरी वर्चुअल कोर्ट्स, उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपना जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हमें हर जगह जितने भी हमारे रीजन है इंडिया में सभी जगह हमें एक्सेस देनी पड़ेगी इंटरनेट की, इलेक्ट्रिसिटी कट्स ना हो, पावर सप्लाई एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो सभी के लिए। एंड उसके बाद एक सिक्योरिटी सिस्टम हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है वो प्रेजेंट की जाती है वाया वर्चुअल कोर्ट, तो उसे सिक्योर करने के लिए हमें एक बहुत ही ज़्यादा हमारा रॉबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा ई कोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में। देन ये जो हमारे ई कोर्ट्स हैं वो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, उन्हें नहीं पता कि हम किस तरह ऑनलाइन केस फाइल करें, या फिर जैसे अभी हम FIRs ऑनलाइन फाइल करने लग गए हैं, तो FIR बहुत लोगों को नहीं ऑनलाइन फाइल करना आता है, तो हमें थोड़ी अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन ई कोर्ट्स को हम यूज़ करें क्या। और हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में होने की जगह, या फिर जो भी दो तीन फॉर एग्जांपल हिंदी में भी आपको कहीं कहीं पर दिखेगा, तो हम रीजनल लैंग्वेजेस भी इसमें इंट्रोड्यूस करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं वो करें, एंड इस प्लेटफॉर्म को, ये जो ई कोर्ट मैकेनिज्म है, इसको हम और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हम बनाएं। फिर गवर्नमेंट को एफर्ट्स लेने चाहिए टू ट्रेन पर्सोनल्स टू मेंटेन ई डेटा। अब अगर हमें वर्चुअल कोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें डेटा को किस तरह सिक्योर रखना है, कैसे हमें डेटा मैनेजमेंट करना है, या किस तरीके से पूरा सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा, उस सभी से रिलेटेड हमें अपने जो भी हमारे पर्सोनल हैं, जो भी लोग इस सब में हमें हेल्प करने वाले हैं, उन सभी को हमें ट्रेन करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करने चाहिए टू फेमिलियराइज को जजेस को भी किस तरीके से आप वर्चुअल हियरिंग ले सकते हैं या क्या क्या प्रोसीजर हैं, उन सभी के रिगार्डिंग हमें अपने जजेस को भी ट्रेन करना चाहिए। एंड एट द लास्ट हमें अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए अबाउट द ई कोर्ट्स, लोगों को पता चलना चाहिए कि आप कितना बेनिफिशियल है, आपकी कॉस्ट कट होती है, आपका टाइम बचता है, आप कहीं भी किसी भी कोने में कंट्री के हों कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं जुडिशरी को, तो इस सभी के बारे में हमें अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।